अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज मैं आप लोगों को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने, जो कराची वालों ने मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर अपलोड किया है, वो मैंने सॉल्व किया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो न्यू मॉडल पेपर है ये 50% MCQs पे फोकस करता है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटों का पेपर होगा। ठीक है, ये देखें, और 2 घंटों का पेपर होगा, 50 MCQs होंगे, 30 नंबर के, मतलब 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, 3 करने होंगे, मतलब आप लोग 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन है और ट्रांसलेशन है, और 2 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेटर, एप्लीकेशन या ऐसे। ठीक है, आए तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाता हूँ। आप लोग अपना मॉडल पेपर सामने रखें, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मॉडल पेपर सामने रखें ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है, ये MCQs है, 50 MCQs स्टार्ट हुए हैं। थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके। ये MCQs है, ठीक है, ये 50 MCQs है, लास्ट में प्रेपोजिशन दिया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 30 नंबर का बी, 2 घंटों का पेपर है, 50 मिनट्स का MCQs पेपर होगा, और 1 घंटा और 10 मिनट के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पे डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, 5 और 6। ठीक है, आए तो मैं आप लोगों को MCQs दिखाता हूँ जो मैंने सॉल्व किए हैं, देख लें। ठीक है, पहला MCQs है, डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज 320 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरा MCQs है, शाह लतीफ भटाई का उर्स कब मनाया जाता है, 1470। ठीक है, तीसरा MCQs है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा कहाँ पर दिया था, उर्राना वैली पे। ठीक है, चौथा MCQs है, कौन सी क्वालिटी ग्रेट विजनरी में नहीं होती है, नेग्लिजेंस, वो इग्नोर, नेग्लिजेंट नहीं करता किसी को। पांचवा MCQs है, जो कौन सी बीमारी है जो मस्कीटो, मच्छर के काटने से नहीं होती है, COVID-19। ठीक है, डायसेंट्री, चिकनगुनिया, टाइफॉइड जो है ये मच्छर के काटने की वजह से, डायसेंट्री इन्होंने मलेरिया देना था लेकिन पता नहीं डायसेंट्री क्यों दे दिया। शी वॉज द फाउंडर ऑफ अपवा, बेगम राना लियाकत अली। ठीक है, अपवा, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। माउंट ऑफ सेंड इज कॉल्ड भिट इन सिंधी लैंग्वेज, सिंधी में माउंट ऑफ सेंड, रेती, मट्टी, रेती के टेले को भिट कहा जाता है। दिस इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये मैथमेटिकल मार्क है अपान की। ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसको भी कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंस इज अ सबऑर्डिनेट क्लास सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लास, जो मेन क्लास होता है, एफ क्लास जिसको बोलते हैं, वो सेपरेट, उससे सबऑर्डिनेट क्लास सेपरेट किया जाता है, किससे, कॉमा से किया जाता है सेपरेट। ठीक है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वेल इज, वेल एडवर्ब है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होगी बेटर, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अ मॉर्फेम एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड, आखिर में जो मॉर्फेम एड होता है उसको सफिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएं नंबर 12 पे, ही इज रिटन द पोम द मिलर ऑफ द डी, चार्ल्स मेके ने लिखी है ये पोम। ठीक है, द मिलर ऑफ द डी। ठीक है, आ जाएं 13 पे, दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल, द जो है, दी आर द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, अगर वॉवल साउंड होता है तो हम दी पढ़ते हैं, दी एलिफेंट, नहीं तो द पढ़ते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक है, अच्छा नंबर 14, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, दिस वन, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा नंबर 15, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1922 में, ये समरी में मोहनजोदड़ो और हेलन केलर समरी में एड है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडेंस सिलेबस में एड है। ठीक है, आ जाए नंबर 16 में, ये 16 MCQs। ठीक है, ओके, 16 MCQs, इफ यू आर रेस्टलेस पर्सन एंड लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू, यू आर अ चेंज सीकिंग, रेस्टलेस की मीनिंग है चेंज सीकिंग, ये यूनिट 2.1 से है। ठीक है, नंबर 17, इफ यू वी वांट टू बी अ गुड मुस्लिम वी शुड बी गुड सिटीजन, ये आउट ऑफ कोर्स दिया है उन लोगों ने, ये रिड्यूस कोर्स में शामिल नहीं है, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन हालांकि दिया गया है, ब्लैंक्स फिल करने हैं, एक्सरसाइज फिल करनी है, लेकिन ये रिड्यूस कोर्स में शामिल नहीं है, सिटीजन इसका होगा वैसे, सही में मैंने बता दिया है। ठीक है, 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव के मजीद 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब 19 भी आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ कायदे आजम, डिसिप्लिन, ओके, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायदे आजम का, दिस वॉज अवॉर्डेड टू बिल्की सीधी, हिलाले इम्तियाज, सितारे इम्तियाज
अनीता गुलाम अली को मिला था। चूज द एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी, इसमें यूज होगा शी इज एन एम ए, ठीक है, एन एम ए, एम ए जो है वॉवल साउंड है, अगर उसको उर्दू में लिखेंगे अलिफ से लिखेंगे तो इसके साथ एन यूज होता है, ठीक है, भले ये कंसोनेंट हो लेकिन ये साउंड निकालेंगे तो एम ए वॉवल साउंड आता है, ठीक है, तो इसके लिए एन यूज करेंगे। चूज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी, द बॉय यू मेट लास्ट, द यूज होगा इसमें, क्यों, क्योंकि जो बॉय को ऑलरेडी मेंशन किया गया है, रिपीट किया जा रहा है बॉय को, जो कल रात हम जिस बॉय से मिले थे ना उस बॉय की बात हो रही है, रिपीटेड जो है, रिपीटेड थिंग में हमेशा हम द यूज करते हैं, ठीक है, इज माई स्टूडेंट्स। यूज एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, दो में होता है तो बिटवीन द स्टूडेंट्स शेयरिंग करते हैं, अगर दो से ज़्यादा तो अमंग यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेपोजिशन कोर्स रिड्यूस कोर्स में नहीं है लेकिन ये पढ़ना पड़ेंगे हमें, ये देते हैं नाइन्थ के वैसे सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज एन अदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड साइनानम्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड को साइनानम्स बोला जाता है, सिनोनम्स बोलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ, ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, ये पास सिंपल टेंस का पैसिव है क्योंकि ही हिट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं, अगर ही यूज़ हुआ है प्रेजेंट सिंपल होता तो हिट्स यूज होता, नहीं तो ये पास सिंपल है, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, ये सही है इसका, ठीक है। पास सिंपल के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, बाय एड करते हैं और बाद में ही हिम में चेंज हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट एक्टिव वॉइस, लेट देम नॉट बी कॉल्ड, डोंट कॉल देम, ठीक है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है, डू नॉट कॉल देम होगा, ठीक है। अच्छा, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, इज दिस आर्टिकल बींग रिटन बाई यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इसको इंट्रोगेटिव में ही रखेंगे, लेकिन इज बींग एम बींग आर बींग जो है प्रेजेंट पर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू यू में ही रहेगा, ठीक है। शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, इसका क्या बना, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव शी डज नॉट इंस्पायर, डज नॉट आएगा तो इंस्पायर्स इंस्पायर में आ जाएगा, वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव है, वेरी इजी, ओके आ जाए, सॉरी, दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, इसका अफर्मेटिव बनाना है, दे कुड हैंडल द सिचुएशन, ये मोडाल है, ठीक है, कोड लगा दो तो बस बन जाएगा। अच्छा, एंड करेक्ट द एड करेक्ट क्वेश्चन टेक टू, आई डू नॉट प्ले अ क्रिकेट वेल, ये नेगेटिव है तो हमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही बनाना है क्वेश्चन टेक, डू नॉट आई होगा, ठीक है ना, अगर अफर्मेटिव में होगा ये होता तो डू आई रखते हम लोग, लेकिन ये इंट्रो नेगेटिव में है, डिक्लेरेटिव नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है इसका, ठीक। पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ, यू सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये इंट्रोगेटिव का है, नरेशन डायरेक्ट नरेशन है, ये पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा, यू सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है, इसका होगा यू आस्क्ड देम व्हाट दे वर डूइंग देयर, ठीक है, ये अफर्मेटिव में केस में हो जाएगा और आस्क में चेंज हो जाएगा, व्हाट दे वर डूइंग देयर, हेयर देयर में हो जाएगा, ये कुछ नरेशन की चेंजिंग से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये देख लें आप लोग, ये भी नरेशन सेलेक्ट करना है, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी, आई जो हुआ है मी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना, यू भी मी के लिए यूज़ हुआ है, तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी, ये पास्ट सिंपल है और ये पास्ट सॉरी ये सही नहीं होगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड जो है ये सही है इसका, ये सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका बी सही है, मैंने ए लिखा था वो मैंने गलती से किया था, मैंने समझा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, सॉरी ओके ये इसका करेक्ट है, ये मिस्टेक, आई एडमिटेड इट। अच्छा, नंबर 33, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, ये मना करने फॉरबिड भी हो सकता है इसमें, आई फॉरबिड हिम टू इंटरफेयर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर, ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। पुट द करेक्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन है, ठीक है, नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन कंडीशनल सेंटेंस, यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्कड हार्ड,
ये सेकंड टाइप है, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। एक पास्ट में इफ वाला सेंटेंस पास्ट में यूज होता है, उसमें मोडाल यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं या माइट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड आएगा पास्ट सिंपल में। तू बस सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज एंड पेन, इसको करेक्ट करना है हमें, ठीक है। अच्छा इसको देखो, करेक्ट इन्होंने किया है बुक्स कॉपीज एंड पेन। तूबा सेड आई हैव ब्रॉट, तूबा सेड आई हैव ब्रॉट, तूबा सेड, या तो थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा, इसका फोर्थ सही है। तूबा सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज। इसने एक मिस्टेक और भी किया, यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, ठीक है, इसको कॉमा डालना चाहिए था, लेकिन ये डी सही है लास्ट वाला, ठीक है, इसमें कॉमा उन्होंने, उनकी मिस्टेक है, हमारी नहीं है। 36 इज़ पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, ये भी पंक्चुएशन में करना है, इज़ कैपिटल में देंगे हम लोग, और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है कैपिटल में, एशिया भी प्रॉपर नाउन है कैपिटल में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, इंटरोगेटिव है, ठीक है। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स विद द वर्ड ओबीडियंट डिसओबीडियंट, ठीक है, प्रीफिक्स मीन पहले वाला वर्ड जो आता है, सफिक्स मीन बाद वाला वर्ड जो आता है। पिक आउट द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस विल बी, शैल बी और फोर्थ फॉर्म यूज होती है, ठीक है। फॉर 39 ही विल लुक इन टू द मैटर, ये इन प्रेजेंट इंडिफिनाइट करना है, ही लुक्स इन टू द मैटर, ही शी इट के साथ एस और ईएस यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब के साथ, ठीक है। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, आई डिड नॉट रिप्लाई देन, इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसका, इसमें बट यूज होगा बस, ठीक है। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट आई डिड नॉट रिप्लाई देन, ठीक है, बस बट उन्होंने मिस किया था। हालांकि कॉमा के बाद कंपाउंड सेंटेंस नहीं करते हैं, लेकिन ये कंजक्शन हमें करना है, बट यूज करना है। पिक द ऑड वन, ऑड वन क्या होगा, ठीक है, दे और देयर, सॉरी यहाँ पे देखें, दे और देयर, दे देम में होता है, ठीक है ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, एक्टिव पैसिव में जो चेंज होते हैं वो। क्लोजिंग पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय टू सम अप, ठीक है ना, ये ऐसे में है, आखिरी पैराग्राफ को हम सम अप टू सम अप में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे में बताया गया है। तो चलते हैं हम 43 की तरफ। एन ऐसे व्हिच डिस्क्राइब्स अ पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नेरेट स्टोरी जो बताया जाती है तो उसको नेरेटिव ऐसे किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कंट्रास्ट तो उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट, डिस्क्राइब जो भी जिस पर्सन को करते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गैलीलियो वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, गैलीलियो म्यूजिक में इंटरेस्ट था, ये उन्होंने मॉडल पेपर जो दिया है 4 यूनिट 4 के बाद कॉम्प्रीहेंशन का, वहाँ से लिया है उन्होंने। इन ईमेल ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये भी आउट ऑफ कोर्स है, ये भी आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन उन्होंने दिया है। इस ईमेल जो स्टैंड ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी आर्स आर देयर इन पैराफ्राइजिंग अ पोम, 4 आर, ये चाइल्ड्स इन्वोकेशन से, ये रिड्यूस कोर्स में शामिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चाइल्ड्स इन्वोकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अल्लामा इकबाल, लप्पे आती है दुआ, ठीक है। यूज द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड लिटरेट, इलिटरेट होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन पहले, सफिक्स मीन बाद में जो वर्ड आता है। सैनानम ऑफ द ओल्ड इज, ओल्ड का सैनानम है यहाँ पे एल्डरली, और सब एंटोनम्स होते हैं इसके हैं, ठीक है। यूज द प्रेपोजिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री होगा, ऑन द ट्री, ठीक है न? ये था आप लोगों का MCQs। आ जाए तो हम लोग उस पे जाते हैं सेकंड पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। ये देखें 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन लोगों ने दिए हैं, दिस वन, हर क्वेश्चन आप लोगों को 5 करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 2 नंबर है, 10 नंबर का है। आए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स। ये व्हाट इज हिजरा, व्हेन डिड द दिस इवेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस, सॉरी, ठीक है ना। व्हेन व्हेन द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, द इवेंट इज नोन एज हिजरा एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। दिस इवेंट टुक प्लेस ऑन 22 जुलाई 622 AD, ठीक है, ये लास्ट सरमन से है। अच्छा, शाह लतीफ की पोएट्री से आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट्री ऑफ द शाह लतीफ भटाई। शाह लतीफ भटाई वॉज द पोइट ऑफ द पीपल, ही रोट पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, द मैसेज ऑफ हिज पोएट्री इज लव व्हिच इज यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। आ जाए तीसरा, व्हाट इज प्लाज्मोडियम व्हिच इज डिजीज इज कॉज्ड बाय इट, प्लाज्मोडियम इज अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय इट, ठीक है, मलेरिया डिजीज जो है उससे होती है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाए, इन द पोम द मिलर ऑफ द डी, व्हाई इज मिलर हैप्पियर देन द किंग, देन द किंग, ठीक है, याद रखिएगा चाइल्ड्स इन्वोकेशन मिलर ऑफ द डी रिड्यूस कोर्स में है। इन द पोम द मिलर ऑफ द डी, द मिलर इज हैप्पियर देन द किंग बिकॉज ही इनवीज नो बॉडी, ही स्पेंड्स व्हाट ही अर्न्स, ही ओज नो पेनी, ही कैन नॉट पे, व्हाइल द किंग इनवीज द हैप्पी लाइफ ऑफ द मिलर, ओके। मे द वर्ल्ड डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइफ ऑफ माइन, वॉट डज द पोइट मीन बाई दिस, ये चाइल्ड्स इन वोकेशन से अल्लामा इकबाल जो है
इसका मतलब क्या है कि द पोइट विशेज टू बी द कॉज ऑफ रिप्लेसिंग इग्नोरेंस बाय स्प्रेडिंग नॉलेज थ्रू हिज एफर्ट्स, सो द पोइट प्रेज फॉर द ब्लेसिंग ऑफ विजडम टू हिम। ठीक है, मतलब डार्कनेस जो पोइट कह रहा है कि जो दुनिया की डार्कनेस अंधेरा है मेरी जिंदगी से रोशन हो जाए। ठीक है ना, ये विश करते हैं कि मुझे इतनी विजडम अकलमंदी दे दें या अल्लाह कि मेरी मैं दुनिया की रोशनी को अंधेरे को ख़त्म कर दूँ। ओके अच्छा, उसके बाद है सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, हु इज़ बेगम राना लियाकत अली, व्हाट रोल डिड शी प्ले इन द पाकिस्तान मूवमेंट। बेगम राना, ये रोल ऑफ वुमेन पाकिस्तान मूवमेंट एंड क्रिएशन का है। बेगम राना लियाकत अली वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट, शी वर्कड एज टाइपिस्ट एंड सेक्रेटरी टू हर हस्बैंड, शी ऑर्गेनाइज द वुमेन मीटिंग्स वेर द मुस्लिम वुमेन कुड मीट एंड प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम the Muslims to the daughter and wife of the viceroy. She also organized women voluntary service, later women national guards consisting of 2400 girls. She herself held the rank of brigadier. ठीक है, name the four groups existed at the arrival of the holy prophet in Medina. The four groups existed at the arrival of the holy prophet in Medina were Muslims, hypocrites, pagans, Jews. Okay बेट, अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पे जो ट्रांसलेशन है, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रांसलेशन। अ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, एक मुल्क में, ये क्वेश्चन नंबर फाइव था पहले लेकिन अब ये थ्री है। ठीक है, एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था, उस मुल्क में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में था, ज़मीन जरखेज थी और बहुत ज़्यादा हरियाली थी मवेशी के चरागाह के लिए, बगीचे फल के दरख्तों से भरे हुए थे, फिर भी बादशाह मायूस और नाखुश थे क्योंकि उनकी रैया उनकी हुक्मरानी से नाखुश थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है न्यू मॉडल पेपर में। ये अ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, देयर वाज एबंडेंस, ई सेक्टर ई सेक्टर। अच्छा ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर है अब, दिस वन क्वेश्चन नंबर फोर। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, आप मॉडल पेपर सामने रखें, मैंने कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व किया है वो मैं बता रहा हूँ, सारा नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है अच्छा, ये देखें कॉम्प्रीहेंशन को मैंने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, अब पहले एट था। ठीक है, दिस पैसेज वॉज मोस्टली अबाउट स्पाइडर वेब्स, पहले का सही है, स्पाइडर वेब्स हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, दूसरे का सही है। एज यूज इन पैराग्राफ फोर द वर्ड ट्रेप्ड मोस्ट नियरली मीन स्टक, थ्री का स्टक होगा। हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन समथिंग इज ट्रेप्ड इन देयर वेब, दे फील इट। एज यूज इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइव मीन्स टू स्टे अलाइव। ठीक है अच्छा, आ जाए, राइट डाउन थ्री लिस्टेड रीजंस व्हाई स्पाइडर वेब, स्पाइडर स्पिन्स वेब, स्पाइडर्स स्पिन मीन बनाना वेब्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वेब हेल्प, वेब्स हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, वेब्स हेल्प स्पाइडर्स हाइड वेल, वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कैच फूड। ठीक है ना, ये चौथे का सही है, पांचवा सॉरी ये सिक्स का है, सेवन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बग गेट्स ट्रैप्ड इनटू द वेब, व्हेन अ बग गेट ट्रैप्स इनटू ट्रैप्ड स्पाइडर्स फील इट्स मूवमेंट एंड कैच इट फॉर फूड। ठीक है, ये आप लोग कॉम्प्रीहेंशन उससे देख के आंसर अपने बनाने हैं आप लोगों को, और ये पिरसी बनानी है, पिरसी बहुत अहम होती है, याद रखिएगा वन थर्ड बनानी होती है, अगर 100 वर्ड्स हैं तो आपको 33 वर्ड्स की लिखनी होती है, अंदाज़ा लगाना होता है, 35 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ऑल स्पाइडर्स, ये मैंने पिरसी बनाई है, आप लोग उसको देख के कॉम्प्रीहेंशन वाले पैराग्राफ को, जो क्वेश्चन नंबर फोर है जो न्यू मॉडल पेपर में, उससे फिर ये पिरसी देखिएगा मैंने जो बनाई है। ऑल स्पाइडर्स व्हेन, अच्छा मेक द पिरसी ऑफ द अबव टेक्स्ट। ठीक है, ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स बिकॉज दे हेल्प देम इन थ्री वेज, वेब्स होल्ड देयर एग्स टुगेदर एंड सेव, ओइंग टू डार्क एंड ग्रे कलर स्पाइडर्स कैन कंप्लीटली हाइड देमसेल्व्स इन अ वाइट एंड क्लाउडी वेब्स, वेब्स आल्सो हेल्प स्पाइडर्स टू कैच फूड, एन अनकॉन्शियस बग कैन ईजिली बी ट्रैप्ड इन स्टिकी वेब फ्रॉम वेयर स्पाइडर्स कैच इट ईजिली, इन ऑल स्पाइडर्स हार्डली सर्वाइव विदाउट वेब्स। ठीक है, ये आप लोग मीनिंग निकालेंगे इसकी, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आ जाए हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे चलते हैं हम लोग। ठीक है अच्छा, सेक्शन सी पे हम लोग चलते हैं, ये है सेक्शन सी हम लोगों का, डिस्क्रिप्टिव जो है ये वाले एसेज मैंने नहीं किए हैं। ठीक है, अब मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको दो एसेज इसके मिलेंगे, एसे टू एंड थ्री, इसका हिंट भी मैंने दिया है, कैसे है मैंने दिया है, ऐसे लिखा भी है इसका, जो आगा खान वालों का लिए लिखा था मैंने, वो भी मेरा मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो उस तरीके का ऐसे है ये नहीं, ये नैरेटिव ऐसे होता है, और ये दो ऐसे मेरे मौजूद हैं, ऐसे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेंदी होते हैं, मैं एप्लीकेशन और लेटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पे आ जाए, ये एप्लीकेशन है बेटा,
एप्लीकेशन अमेरिकन पैटर्न होता है, यहाँ से शुरू करें। यहाँ पे आप लोगों की लाइन ऑलरेडी कॉपी में ड्रा होती है, ये लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ से शुरू करनी है, द प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए है। देख ले मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा खुश। द प्रिंसिपल कॉमा ABC स्कूल कराची, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स। अब ये आप लोग बीच में लाइन छोड़ रहे हैं, यहाँ से लीव कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है बड़ा, इसमें आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। डियर सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट माई एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं वो अरेंज करने के लिए। आई बैक टू स्टेट दैट माई नेम इज़ अली, आई एम द क्लास रिप्रेजेंट CR ऑफ माई क्लास 9। ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई हेयर बाई रिक्वेस्ट दैट द एग्जामिनेशन डेट ऑफ अवर कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स इज फिक्स्ड, विच इज़ गोइंग टू बी कमेंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द लास्ट नेक्स्ट वीक। ड्यू टू द लिमिटेड टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम्प्लीट अवर सिलेबस इन रेगुलर क्लासेज, सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स फॉर द कम्प्लीशन ऑफ अवर सिलेबस विद इन द टाइम पीरियड। देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स एज वी मे कम्प्लीट अवर कोर्स ऑन टाइम। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई वी शल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर, थैंक्स यू आर सिंसियरली। अच्छा, ये जो फॉर लिखा है मैंने स्मॉल में लिखा है, ये थोड़ी मिस्टेक है मेरी, ये कैपिटल में होता है फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका है, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक खत्म करें। प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने यहाँ लिखा है उसको छोड़ दें आप लोग, ये पुराना तरीका था। अब न्यू पैटर्न जो बुक वालों ने दिया है बुक को फॉलो किया करें, ठीक है। ये था एप्लीकेशन, और आप या एप्लीकेशन करें या लेटर करें आप लोग, ठीक है ना। ये मैंने लेटर किया है वाटर शॉर्टेज का, ये भी लेटर ऊपर डेट लिखी जाती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। लेटर टू एडिटर जो होता है, द एडिटर डेली डॉन कराची, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। डियर सर, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अथॉरिटी थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़ पेपर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये हर लेटर में ये लिखा जा सकता है, वी द रेजिडेंट्स ऑफ लांडी फोर हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर लास्ट 2 weeks। द वाटर हैज बीन सप्लाइड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी विच इज़ नॉट इनफ फॉर द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स, इवन समटाइम्स वी हैव नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग। द कंसर्न अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू टेक सीरियस स्टेप्स अगेंस्ट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स रिगार्ड्स सिटीजन ऑफ लांडी। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट करना था। ये देखिए, ये एप्लीकेशन मैंने कर ली, ये लेटर मैंने कर लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।